Hey, what's up guys, this is Arav, welcome back. And यार आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में. और ये जो मॉड्यूल वर्ड है ये पहले भी आपने बहुत बार सुना ही होगा, मैजिक मॉड्यूल, ये मॉड्यूल, वो मॉड्यूल, काफी कुछ आपने सुना होगा मॉड्यूल से रिलेटेड. बट एक्चुअल मॉड्यूल होता क्या है, इसका वर्क क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे. तो यार आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा. वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो. और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं. और काफी टाइम पहले मैंने था यार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने को 30,000, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए, तो इस वजह से सब्सक्राइब वगैरह का देख लो अपनी तरफ से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो भाई यार मॉड्यूल एक ऐसा वर्ड है जो खुद में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. वर्ड बहुत छोटा सा है, कॉमन सा है, बट ये खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है. इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं. देखिए इसका जो यूज है वो काफी जगह पर किया जाता है. अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा शांत करें और एक बार सोचें कि भाई मॉड्यूल वर्ड हमने कहां कहां सुना है, तो आप देखेंगे कि भाई मॉड्यूल वर्ड को आपने सॉफ्टवेयर में भी सुना है, हार्डवेयर में भी सुना है, और भी काफी ऐसी जगह है जहां पर आपने मॉड्यूल वर्ड के बारे में सुना होगा कि ये होता है मॉड्यूल. अब यार हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि मॉड्यूल एक छोटी सी चीज नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में ये काफी इनहेंस लेवल पर है. इसलिए अगर हम हर एक सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स की स्टडी करने जाते हैं तो हम कर नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ मैजिक मॉड्यूल की स्टडी करने वाले हैं. हाँ, मैजिक मॉड्यूल इज अ पार्ट, हम उस पर भी आएंगे, बट अभी हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो मॉड्यूल्स की स्टार्टिंग हमारे सब्जेक्ट में कहाँ से होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में तो सुना ही होगा, आई थिंक 2 और 3 क्लासेस में ही सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में बता दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी और कॉमन सी चीज होती है. अब यार मैं यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ. देखिए मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा रोल सॉफ्टवेयर में भी होता है और मॉड्यूल का एक बहुत बड़ा रोल हार्डवेयर में भी होता है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे मॉड्यूल्स इन सॉफ्टवेयर के बारे में. अब मैं आपको सॉफ्टवेयर इन मॉड्यूल्स क्या होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल है क्या चीज, इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है. तो भाई एक ऐसी सेपरेट यूनिट जिसका किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल हो, बिना उस यूनिट के वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो ही नहीं सकता, उसको हम कहेंगे मॉड्यूल. तो आई थिंक आपको मॉड्यूल्स इन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर से. बाकी मैं आपको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करके काफी सारी चीजें बताऊंगा, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए. अब यार आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको सेपरेट यूनिट नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है. अब मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ. देखिए सेपरेट यूनिट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ना ये डिवाइस का पार्ट होता है और ना ही आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये दोनों से ही अलग होता है, एक सेपरेट यूनिट होता है जिसका काम होता है डिवाइस और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेट करना और फिर जाकर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना. तो इस तरीके से काम करता है मॉड्यूल. अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसको सेपरेट यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना ये डिवाइस का पार्ट है और ना ही ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है. अब यार आप में से काफी सारे लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर से सोच रहे होंगे, और मैंने भी जब पहली बार इसके बारे में स्टडी की थी तो मैंने भी सोचा था, मेरे भी माइंड में आया था कि भाई सेपरेट रखने की क्या जरूरत है, या तो हम अपने डिवाइस में ही वो सेटिंग्स डाल दें जिससे कि जैसे ही हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वो चलने के लिए तैयार हो जाए, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाए, और या तो हम अपने सॉफ्टवेयर को ही कंप्लीट बनाएं जिससे हमें अलग से किसी मॉड्यूल की जरूरत ना पड़े. ये वाला क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया था कि कहीं ना कहीं चीजें इनकम्प्लीट हैं जिसकी वजह से हमें मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है. या तो हम अपने डिवाइस को कंप्लीट कर लें और या तो हम अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लें, हमें बीच में किसी मॉड्यूल की जरूरत क्यों पड़े. इस बात को समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी कि हमें मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती कब है. देखिए मॉड्यूल्स की जरूरत हमें पड़ती है यूजर के यूज पर, यानी कि यूजर कोई एक ऐसा काम करना चाहता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना चाहता है जो कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कर सकता है. अब उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट की भी जरूरत पड़ेगी. अब वो जो एनवायरमेंट है वो जरूरी नहीं है हर एक डिवाइस प्रोवाइड करता हो, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस कोई कंपनी बनाती है तो सेफ और सिक्योर एनवायरमेंट को देखकर बनाती है. अब आप उसमें कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं जो कि सेफ और सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही सॉफ्टवेयर से अपने तरीके का काम ले सकते हैं जो कि आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी सारी एप्लीकेशन तो आपको प्ले स्टोर पर मिलती हैं जिनको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप उस डिवाइस में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग सा एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा उस डिवाइस के अंदर, जो कि उसका हार्डवेयर एलिजिबल है बट उसका सॉफ्टवेयर इस चीज को करने से रोकता है. तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उस डिवाइस को रूट करना पड़ता है, तब जाकर आपको उस डिवाइस के सुपर यूजर राइट्स मिलेंगे और तब जाकर आप अपनी एप्लीकेशन को एक मॉड्यूल की हेल्प से चला पाएंगे, क्योंकि उस डिवाइस का जो रोम है
वो हर एक एप्लीकेशन को कंप्लीट तरीके से चला पाए उस तरीके से नहीं डिजाइन किया गया, इसलिए हर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक अलग तरह के मॉड्यूल की जरूरत हमें पड़ती है। अब यार आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे भाई प्ले स्टोर से हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इसमें हमें किसी भी मॉड्यूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो इजिली इंस्टॉल हो जाती है, कुछ भी इधर उधर का करना नहीं पड़ता है, क्या इसमें कोई मॉड्यूल जैसी चीज नहीं होती है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ बिल्कुल होती है, और इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं और ये मॉड्यूल्स आपके रोम में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। ये हर एक सॉफ्टवेयर के लिए एक बेसिक सेटिंग होती है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें हेल्प करती है, तो बहुत ही कॉमन होते हैं, ये आपके रोम में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, जिससे कि आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि एक रूट एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो उन सारे एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको मॉड्यूल्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी नॉलेज वाली रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी वाली वीडियोस देखने को मिलने वाली है। आगे मैं आपके लिए बहुत ही नई नई चीजें लाने वाला हूँ, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके रखना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me.